हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स पर। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का 7th फेज का एग्जाम स्टार्ट हो गया है और एग्जाम अभी चल रही है। आज 26 जुलाई 2021 का जो फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, तो उसका एनालिसिस, जीएस का एनालिसिस आपको हमारे चैनल पर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को और देखते हैं इसके बारे में कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया। और ये जो कोई एनालिसिस होगा, ये केवल और केवल एनटीपीसी के लिए ही नहीं, जो एनटीपीसी सीबीटी 2 होने वाले हैं, ग्रुप डी होने वाला, या फिर सीजीएल है, सीएचएसएल है, कोई भी वन डे एग्जामिनेशन जिसमें कि जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे के सारे एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन होता है, जिसमें आपको इससे रिलेटेड जो कंटेंट होगा उसका अलग से सेपरेट वीडियो भी बना दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा क्या क्या क्वेश्चन आया है। देखिए, संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संशोधन, किस अनुच्छेद के साथ तहत किया जाता है, ठीक है? तो ये बताना था कि संविधान में संशोधन जो है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, अंडर विच आर्टिकल अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन इज डन, ठीक है? तो हम लोग जानते हैं कि जो संविधान में संशोधन जो 368 अनुच्छेद 368 यानी कि आर्टिकल 368 के द्वारा किया जाता है, ये भाग 20 में आता है, यानी कि जो पार्ट 20 है, ठीक है, उसके अंतर्गत आर्टिकल 368 है और इसके अनुच्छेद के तहत ही संशोधन किया जाता है संविधान में। तो देखिए, संविधान के संशोधन, संविधान के अनुच्छेद से रिलेटेड, अनुच्छेद से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, एनटीपीसी के हर एक शिफ्ट में, पिछले बार भी पूछा जा रहा था, इस बार भी पूछा जा रहा है, सीबीटी 2 में भी पूछा जाएगा, ग्रुप डी में भी पूछा जा रहा है, चाहे आप सीजीएल दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो, सीपीओ दे रहे हैं, बिहार एसआई, बीपीएससी, किसी में भी आपको संविधान के अनुच्छेद और पॉलिटी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद को इसमें डाल दिया है, आप पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको देख लीजिएगा। लेकिन अगर संविधान के पूरे अनुच्छेद, ठीक है, संविधान के जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उसके अलग से भी वीडियो अपने चैनल पर मैं डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देखना ना भूले, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके उसको समझाया जाएगा। देखिए, जैसे अनुच्छेद 1 के तहत क्या है, ये अनुच्छेद 1 यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 3, संसद जो है विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो ऐसे आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम केवल पीडीएफ आप डाउनलोड करके उसको रिविजन कर लीजिएगा। अगर आपको अलग से इसका सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, फिर हम इससे रिलेटेड वीडियो भी लेकर आ जाएंगे। चलिए देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आप यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, एक सवाल आया है टोक्यो ओलंपिक, जो कि करेंट अफेयर्स है, टोक्यो ओलंपिक 2021 वाला 23 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 23 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। मीराबाई चानू ने एक सिल्वर मेडल अपने नाम किया वेट लिफ्टिंग में। तो ओलंपिक पर आपकी पैनी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि जो भी एग्जाम अब होंगे, जो अभी रिसेंट में एग्जाम होने वाले हैं, ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक 2021 से इसमें क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और टोक्यो ओलंपिक 2021 का एक सेपरेट वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आने वाला हूँ, कल आप जरूर देखिएगा। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत की ओर से तलवारबाजी के लिए किसे चयनित किया है, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर फेंसिंग बाई इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक्स 2021। पहली बार, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो भारत की ओर से तलवारबाजी में पहली बार ओलंपिक में सेलेक्ट होने वाली बनी है भवानी देवी, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन गया था और पूछ लिया गया है। तो जितने भी एथलीट्स यहाँ से गए हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कल के वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, 31 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है उसमें जरूर पूछा जाएगा। तो भवानी देवी टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत की ओर से तलवारबाजी के लिए चयनित हुई हैं। UAN का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, कुछ इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन है, आप यहाँ से इसको देख लीजिए, जैसे AC, अल्टरनेटिंग करेंट, अशोक चक्र, एयर कंडीशनर, अंटार्कटिका क्लब, ठीक है, जैसे वैसे ही AGOC, एशियन गेम्स ऑर्गेनाइजेशन कमिटी, ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ABM, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, AD, ऑथोराइज्ड डीलर, AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AICC, ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रम, उसके बाद APEC, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो आप यहां से सारे के सारे
लगभग 150 के लगभग यहाँ पर एब्रीविएशन है। आप सारे के सारे एक बार इसको दो तीन बार इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मैंने बता दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके इसे रिवीजन कर लीजिएगा। तो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए मोम यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मंगलयान भी कहा जाता है, इसको कहा कि कक्षा में, मार्स के कक्षा में कब प्रवेश किया था। तो देखिए यहाँ पर है, ये है हमारा अर्थ, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ, अर्थ का ऑर्बिट है, ठीक है, ये सन है, अर्थ का ऑर्बिट है, अर्थ के ऑर्बिट से, अर्थ के ऑर्बिट से यानी कि अर्थ से 5 नवंबर 2013 को MOM यानी कि मंगलयान को क्या किया गया था, मार्स ऑर्बिटर मिशन को 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, ठीक। और ये लॉन्च होने के बाद, मंगल ग्रह के ट्रेजेक्ट्री में पहुंचने के बाद, ये मंगल ग्रह में कब ऑर्बिट में कब इंसर्ट किया था, तो ये किया था 24 सितंबर 2014 को, 24 सितंबर 2014 को, 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ से इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए देखते हैं यूनेस्को की सूची में 2021-22 के लिए किसे शामिल किया गया था। तो इसका जो आंसर है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यूनेस्को का जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है, इंडिया में अभी लगभग 39 है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट 39 है, जो कि 2021 में अभी अभी रामे क्या है कि काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे कि रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है, उसे यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है 2021-22 में। तो उसी तरह से जो नए करेंट अफेयर्स हैं, या फिर इससे पहले जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, उसका एक वीडियो मैं लेकर आऊँगा, वहाँ से आप उसको रिविजन कर सकते हैं और इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उसको आसानी से जवाब दे सकते हैं। 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, तो आपको कांग्रेस अधिवेशन का भी वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं, तो इसीलिए आपको कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया, कहां पर हुआ था, उसका क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, सारे के सारे एक वीडियो में कवर करके आपको मिल जाएगा। 31 तारीख से पहले आप पूरा देखकर ही जाइएगा। तो 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था, नागपुर में। सिंह विष्णु किस वंश से संबंधित था, पल्लव वंश, ये पूछा गया है, पल्लव वंश था, आप वहां पर दे सकते हैं इस तरह के जवाब। तो आपको हिस्ट्री से इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वेस्टर्न घाट में सबसे अधिक कौन सा जानवर पाया जाता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल था, ठीक है, लेकिन अगर प्रायोरिटी दिया जाए तो एलिफेंट जो है, इंडियन एलिफेंट वेस्टर्न घाट में सबसे ज्यादा इंडिया में पाए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर के बारे में, यानी कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछा गया था कहां पर है। तो हम जानते हैं पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, और अभी अभी 17 रेलवे जोन्स है हमारे इंडिया में, ठीक है, 17 रेलवे जोन्स है, जिसमें कि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख लीजिएगा। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई, पूर्व रेलवे का कोलकाता, पूर्वी मध्य रेलवे का हाजीपुर, जिसके बारे में अभी पूछा गया था, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है, पूछा गया था। और इसके अंदर कौन कौन आते हैं, तो दानापुर, मुगलसराय, धनबाद, सोनपुर, समस्तीपुर, इस तरह से है। ईस्ट कोस्ट रेलवे का जो हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर है, उत्तरी रेलवे यानी कि नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में आता है, ठीक है। उत्तर मध्य रेलवे यानी कि नॉर्थ ईस्ट रेलवे इलाहाबाद, उसका हेडक्वार्टर है, इस तरह से आप इसको देख लीजिएगा। उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर, उत्तर फ्रंटियर रेलवे जो मालीगांव है गुवाहाटी, ठीक है, उसके बाद जो उत्तर पश्चिम रेलवे है जयपुर, दक्षिणी रेलवे चेन्नई, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्वी रेलवे गार्डन रिच कोलकाता, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, पश्चिमी रेलवे मुंबई CST, पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर, कोलकाता मेट्रो कोलकाता। तो इस तरह से आप पूरे के पूरे जोन्स के बारे में जानकारी ले लीजिएगा। यहाँ पर पिक्चर में मैप पर दिखाया गया है जो जोन्स ऑफ इंडियन रेलवे है, ठीक है, 17 जोन्स है, ठीक है, नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, तो इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसकी जानकारी आपको दे दी थी। चलिए अब देखते हैं कि 4 बिट्स किसके बराबर होता है, तो एक निबल के बराबर 4 बिट्स होता है, कंप्यूटर से है, ठीक है, जो आपका डिजिटल से है, इससे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। सती प्रथा का उन्मूलन किस वायसराय के द्वारा किया गया था, तो कि जो जनरल और वायसराय, ठीक है, जो जनरल है, वायसराय है, गवर्नर जनरल है, तो इस तरह से जो जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल है उसके द्वारा क्या काम किए गए हैं, उसका टेन्योर क्या रहा है, तो आपको एक इम्पोर्टेंट जो जनरल और वायसराय से भी
करके जाना है। किसी भी एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है, जनरल का जो इंपॉर्टेंट काम करके गया उसका टेन्योर क्या रहा है, उसका वो कब से कब तक रहे हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पूछ लिया गया उसी तरह से, सती प्रथा का उन्मूलन किस वायसराय के द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है, तो आपको जनरल वायसराय का भी एक टॉपिक कर लेना होगा, जिससे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पिछले बार भी बहुत ज़्यादा पूछा गया था और पूछा ही जाता है ना। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। अकबर का सुलह ए कुल की नीति क्या थी? सुलह ए कुल यानी कि सार्वभौमिक शांति स्थापना। अकबर ने यह महसूस किया कि सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है, अतः उसने सर्वधर्म समन्वय अर्थात सब धर्मों की अच्छी बातें लेने का मार्ग पकड़ा। इसी को उसने सुलह कुल कहा। ठीक है, यानी कि सार्वभौमिक शांति स्थापना। इस तरह सब धर्मों को अच्छी बातों को लेकर उसने दीन ए इलाही नामक एक धर्म चलाया था। ठीक है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को एक साथ ग्रुप में जोड़ने को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंट्रानेट। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ही मतलब हार्ड नहीं है, टफ नहीं है। ठीक है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप यहां से इस तरह से देख कर जाइएगा। इससे रिलेटेड आपको वीडियो भी मिल जाएगा, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। देखिए, इंडोक्राइन सिस्टम में आपसे पूछा जाएगा, चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, जिसमें कि कोई एक इंडोक्राइन बता दिया जाएगा, बोला जाएगा कि इस तरह का इंडोक्राइन कौन था। आपको पूरा अगर पता है, जैसे कि पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस, थायरॉइड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थायमस, पैंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड्स, ओबरी फीमेल में, एड्रिनल ग्लैंड सॉरी टेस्टिकल किसमें, तो मेल में, वैसे ही प्लेसेंटा फीमेल में। तो ये सब जो है इंडोक्राइन सिस्टम से। इसके अलावा अगर आपको कोई नाम दे दिया जाए तो आप आसानी से पकड़ लेंगे कि ये इंडोक्राइन सिस्टम नहीं है। जैसे कि एक्सोक्राइन सिस्टम क्या क्या होता है? टॉन्सिल्स, थाइमस, लिम्फ नोड्स, लिम्फोटिक वेसल्स, लीवर, स्प्लीन। ठीक है, तो ये आप यहाँ से अपेंडिक्स, बोन मैरो, तो ये आप यहाँ से देख लेंगे एक्सोक्राइन सिस्टम के एग्जाम्पल और एंडोक्राइन सिस्टम के एग्जाम्पल। पीडीएफ को डाउनलोड करके आप जरूर इसको रिविजन कीजिएगा। अब देखिए, ये पूछा गया है सवाल, मेटलॉइड की विशेषताएं क्या है? तो मेटलॉइड से पूछा गया है, इस तरह से पूछा गया। तो जो मेटलॉइड होते हैं, मेटलॉइड एक ऐसा पदार्थ है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, जिन्हें उपधातु कहते हैं, है ना। तो उपधातु जैसे आप यहाँ से देखेंगे, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलीरियम, ये सब प्रायः उपधातु कहे जाते हैं। कार्बन, एल्यूमिनियम, सेलेनियम, पोलोनियम और एस्टेटिन भी कुछ सीमा तक उपधातु कहा जाता है। तो मेटलॉइड की विशेषताएं पूछी गई है, इस तरह से आप यहां से देख सकते हैं। नीलगिरी के दक्षिण और अन्नामलाई के उत्तर में कौन सा दर्रा पाया जाता है? ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, इसके दक्षिण में, और अन्नामलाई ये है उसके उत्तर में। ठीक है, तो यहाँ पर है पालघाट। ठीक है, पालघाट दर्रा। तो पालघाट दर्रा, अगर आप मैप को पूरे अच्छे से मैप की जानकारी आपको पूरे अच्छे से है, जितने दर्रे होते हैं, पासेज होते हैं, जो फॉल होता है, बहुउद्देशीय परियोजना है, तो आपको अगर मैप से, जैसे नदी है, रेगिस्तान है, तो ये आपको अगर मैप से आप किए हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो दर्रों के बारे में भी आपको मैप पर, एक इंडियन मैप पर और वर्ल्ड मैप पर भी आपको क्या करेंगे, बता देंगे, पूरा का पूरा अच्छे से एनालिसिस करके बता देंगे, अच्छे से समझ जाइएगा और एग्जाम में बैठिएगा उसके बाद ही। तो पालघाट दर्रा जो है नीलगिरी के दक्षिण में और अन्नामलाई के उत्तर में पाया जाता है, ये पूछा गया था एग्जाम में, तो पालघाट दर्रा है। ठीक है, अब अगला देखिए कि NH44 का लेंथ कितना है? तो 3745 किलोमीटर है। ये अगर आप नेशनल हाईवेज वाला सेक्शन करके गए होंगे तो आसानी से बना दिए होंगे। फिर देखिए, एक अनुच्छेद के बारे में पूछ लिया गया है, आपको इंपॉर्टेंट अनुच्छेद का भी एक वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से भी रिवीजन कर सकते हैं और अनुच्छेद छोड़कर बिल्कुल नहीं जाइएगा। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच किस अनुच्छेद में है? तो हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 19 में। ठीक है, अगर आपने ये सही आंसर मार कराया है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। SDG इंडेक्स, ठीक है, ये करंट अफेयर्स वाला है, SDG इंडिया इंडेक्स 2021 के बारे में पूछा गया था। तो आपको अगर पता होगा कि कौन कौन सा जो प्रदेश है, जो राज्य है, वो टॉप किया, कौन सा नीचे से टॉप किया, तो ये अगर आपको पता होगा तो किसी भी तरह से अगर ऑप्शन घुमा के पूछता है तो आपकी आप वहां पर आंसर कर पाएंगे। केरल जो इस बार भी टॉप पर रहा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु दोनों कंबाइंड रूप से दूसरे स्थान पर रहा 74 पॉइंट के साथ। ठीक है, तो ये जो हिमाचल प्रदेश था पिछले बार 13वें स्थान पर था, लेकिन इस बार दूसरे स्थान पर आ गया SDG इंडिया इंडेक्स में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हिमाचल प्रदेश के लिए। और तीसरे स्थान पर कंबाइंड रूप से आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड है 72 पॉइंट के साथ। सिक्किम है 71 पॉइंट के साथ चौथे स्थान पर, और महाराष्ट्र है 70 पॉइंट के साथ पाँचवें स्थान पर। तो अगर आपको टॉप 5 पता है तो आपको किसी तरह से अगर पूछा जाए तो आप यहाँ से आंसर दे पाएंगे। खराब प्रदर्शन करने वाले भी आप यहाँ से देख लेंगे। चलिए,
अब देखते हैं और क्या पूछा गया है। कोई नदी अगर पहाड़ों से होते हुए मैदानी भाग में आता है, जैसे कोई नदी, जितने भी नदी हैं पहाड़ों से होते हुए जो मैदानी भाग में आता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फ्लड प्लेन्स। ठीक है, इसे कहा जाता है फ्लड, इन नदियों को कहा जाता है फ्लड प्लेन्स। यमुना नदी, गंगा नदी, सारे तो पहाड़ों से होकर मैदानी भाग में आते हैं, तो इन्हें फ्लड प्लेन्स कहा जाता है। राष्ट्रीय कैलेंडर, जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर या भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है, पूछा गया था कब अपनाया गया, तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, जिसको कि संक्षिप्त नाम भारांग है, ठीक है, भारत में उपयोग में आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है, यह सक संवत पर आधारित है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय कैलेंडर है भारत का, वो किस पर आधारित है, विक्रम संवत पर या फिर सक संवत पर? तो आपको बताना है अभी सक संवत पर आधारित है, और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया। ठीक है, 22 मार्च 1957 से, तो ये आपको याद रखना है, और इस तरह से ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप टिक कर लीजिएगा। और आज यही क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय पेंशन योजना किसके द्वारा लागू किया जाता है? जो NPS है, नेशनल पेंशन स्कीम, वो लागू किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL के द्वारा। ये डोलू कुनीथा डांस किस राज्य के, तो जो लोक नृत्य होता है, जो फोक डांस होता है, उससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन पूछते ही हैं, और पूछा भी, तो जैसा ट्रेंड है उसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डोलू कुनीथा कर्नाटक का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो ये फेज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आप अगर इसको देखकर और इससे रिलेटेड जो आ सकते हैं क्वेश्चंस, उस पर अगर एनालिसिस करके जाइएगा, तो आगे जब एग्जाम आपकी होगी, चाहे वो आप NTPC CBT 2 दे, चाहे RRB ग्रुप डी दे, तो आपको जरूर यहाँ से सहायता मदद मिलेगी। तब तक के लिए आप सेफ रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई करते रहें, और मिलेंगे हम लोग ऐसे ही वीडियो के साथ, सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ कल। तब तक के लिए आप सेफ रहें, स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें।